छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मरीन ड्राइव इन दिनों खूब सुर्खियों में है। यहां आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अब चिंता का विषय बनी हुई है। ताजा मामला सामने आ रहा है कि मरीन ड्राइव में एक युवक की हत्या कर दी गई। ये युवक कोई और नहीं बल्कि अंबिकापुर कलेक्ट्रेट का ड्राइवर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मरीन ड्राइव में मोबाइल लूटने आए बदमाशों ने चाकू घोप कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ईश्वर राजवाड़े अधिकारी को लेकर रायपुर आया हुआ था। तेलीमांदा तालाब के पास गाड़ी लगाई थी उसने, तभी तीन बदमाश मोबाइल लूटने लगे। इस बीच विवाद हो गया। बीच बचाव के कारण तीन अज्ञात लुटेरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक के पेट, पीठ और शरीर और अन्य जगहों पर चोट आई। इस दौरान युवक ने मदद मांगने की भी कोशिश की, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। युवक को तत्काल इलाज नहीं मिलने और खून ज्यादा बह जाने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चाकू मारने वाले तीन बदमाश फरार हैं। तेलीमांदा पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है और इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एक बार फिर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। तीन अज्ञात बाइक सवार लुटेरे जब यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पे अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में ड्राइवर के पद पर पदस्थ ईश्वर राजवाड़े, जो अपने एक अधिकारी को अंबिकापुर से शासकीय कार से यहाँ लेकर पहुँचे थे, और वो अपने यहाँ पे जो विवेक राजवाड़े, जो अपने भांजा है, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मेन पार्ट में ड्राइवर है, वो भी यहाँ आया था। वो दोनों यहाँ घूमने आए हैं और घूमने के बाद आने के बाद यहाँ पे आधी रात में बैठे हैं, और बैठने के बाद यहाँ पे तीन अज्ञात बाइक सवार लुटेरे आए हैं और आने के बाद उसका मोबाइल छीनने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जिसका विरोध मृतक जो ईश्वर राजवाड़े था उसने यहाँ पे किया है। और तभी अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने उसको तीन चाकू मारे हैं, पेट में, सीने में और हाथ में। लगातार राजधानी में अपराध बढ़ रहा है, किस रूप में देखते हैं इसमें भी यार? किसी भी आदमी को कोई भी मार दे रहा है, ये गलत है। अगर किसी को अगर दो चार झापड़ मार के कोई चीज़ को छीन लेता वो अलग बात है, मतलब डर खत्म हो गया है, अपराधी को डर पूरा खत्म है। जो पूरी वारदात के चश्मदीद हैं, एक बार पूछते हैं उनसे, क्या आपने देखा, कितने बजे की घटना थी, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया इन तीन लुटेरों ने? 3:40 में हुई थी ये वारदात। यहीं पर बैठे थे दोनों जन शख्स, और वो तीन जन आए थे एक्टिवा में और उसे मोबाइल छीन के भाग रहे थे। तो वो एक साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो नहीं रोकने के लिए उसको आगे में मारपीट हुआ, फिर नहीं रुके तो उसको पेलना चालू कर दिए चाकू से। उसके बाद आपने यहाँ पे 112 को कॉल किया, जैसा आप बता रहे थे, उसके बाद 108 को कॉल किया, किस तरीके से मदद मिल पाई? सामने से ब्लोरो जा रही थी पुलिस वाले की, तो उनको रोकने की कोशिश की तो नहीं रुके, चले गई। अच्छा, हाँ। ये 112 और ये 108 कितने बजे आए, कितनी देर में आए? बहुत टाइम हो गया, आधा घंटे से ऊपर हो गया था। फिलहाल अभी जो तीनों अज्ञात बाइक सवार लुटेरे हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, और तेलीबांदा थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की विवेचना में जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि 7 दिन पहले यानी कि 16 सितंबर को मरीन ड्राइव में दिन दहाड़े बॉयफ्रेंड ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद युवक अपना हाथ काटकर तालाब में कूद गया। तो रायपुर में लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों को लेकर आपकी क्या राय, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।